नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक नई वैकेंसी आई है, इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। ये अपडेट है एक नई वैकेंसी के लिए। नेहरू युवा केंद्र संगठन में ये वैकेंसी आई हुई है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप सभी लोग, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। किसी भी स्टेट के हैं आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें वैकेंसी जो आई हुई है 100 नंबर वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की, DYC जिसको बोलते हैं। 73 अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है और 52 मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आई है। इसकी डेट देख लेते हैं एक बार। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 16 मार्च से शुरू हो चुका है और 31 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा। फीस भी आपको 31 मार्च तक सबमिट करनी है। और दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। नेहरू युवा केंद्र संगठन इज ए ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की एक ऑटोनॉमस बॉडी है ये, नेहरू युवा केंद्र संगठन। तो एक अच्छी जॉब है यहाँ पे, और ये पूरे भारत के 623 जिलों में इसकी ऑफिसेस हैं और 29 राज्यों को पूरा ये कवर करता है भारत के। दोस्तों, वैकेंसीज का ब्रेकअप देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के में अनरिजर्व की 40 वैकेंसी हैं, 10 EWS की हैं, 50 वैकेंसी हो गई जनरल की, और SC की 15, ST की 8, OBC की 27, PWD की इसी में से 4 वैकेंसी हैं। टोटल 100 वैकेंसी हैं। और अकाउंट कम टाइपिस्ट अकाउंट अकाउंट अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है, 30 वैकेंसी जनरल की है, अनरिजर्व की है, और इसी में EWS की 7 है, तो 37 हो गई है। और SC की 11, ST की 5, OBC की 20, और इसमें 3 PWD की हैं और 7 EESM की हैं। टोटल 73 वैकेंसीज हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करते हैं तो 21 वैकेंसी जनरल की हैं, अनरिजर्व की, सॉरी अनरिजर्व की हैं, अनरिजर्व बोला जाएगा इसको, जनरल नहीं बोला जाएगा। SC की 8, ST की 4, OBC की 14 और 5 EWS की हैं, और 2 PWD की, 5 EESM की। टोटल 52 वैकेंसीज हैं। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के लिए इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप किसी भी तरह की, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। MA किया हो आपने, MA किया है, MCOM किया है, या MSc की है, या MTech किया हुआ है, MBA किया हुआ है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आप है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल क्या दिया गया है, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन यूथ एक्टिविटीज, रूरल डेवलपमेंट, अदर एक्टिविटीज, अदर सोशल सेक्टर्स इंक्लूडिंग वॉलंटरी वर्क इन रिपूटेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने कहीं इस तरह का काम किया है 3 ईयर्स का, तो आपको इसका प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। ये डिजायरेबल है, इसेंशियल तो ये है, जो इसेंशियल है आप अगर केवल यही रखते हैं क्वालिफिकेशन, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए क्या मांगा गया है। BCOM मांगा गया है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डिग्री, आप फिर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन अकाउंट वर्क। अगर आपने BCOM के अलावा कोई दूसरा ग्रेजुएशन डिग्री ली हुई है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स वर्क में। और हाँ, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये 4 चीज़ें मांगी गई हैं। तो ये 4 चीज़ें अगर आपके पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। बाकी डिजायरेबल में देखिए, यहाँ पे नेशनल सर्विस वॉलंटियर के लिए आप कोई भी, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। PG डिग्री ऑफ राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूवा डेवलपमेंट, ये होनी चाहिए। अगर ये भी है तो ठीक है, चल जाएगा इसमें। ये डिजायरेबल है, इसेंशियल नहीं है। और लास्ट में देखते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। इसका मेट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट, अगर आप 10वीं पास हैं, केवल 10th आप पास हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें वर्क करने के लिए मांगा गया है कि अगर आपने NSBI, RSBI, NYC में अगर मिनिमम 1 साल का वर्क किया हुआ है तो ये आपका डिजायरेबल हो जाएगा। और ट्रेनिंग बेसिक और रिफ्रेशर कोर्स आपने होमगार्ड या सिविल डिफेंस में किया तो ये भी आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस हो जाएगा। आगे देखते हैं एज कितनी मांगी गई है। एज 28 साल, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के लिए, अकाउंट्स कम टाइपिस्ट के लिए 28 साल, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 साल मांगी गई है एज। आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। रिजर्वेशन एज पर रूल रहेगा, और इमोलूमेंट्स कितना मिलेगा आपको, सैलरी कितनी मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि सैलरी कितना मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के लिए 56,100 की स्केल है, और ये आपके 56,000 की अगर स्केल है तो आप ये समझ लीजिए 65 से 70,000 तक मिलेगा आपको।
अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, मेडिकल, पर्सनल, हाउसिंग, बिल्डिंग एडवांस, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस, ये सारी फैसिलिटीज आपको, ग्रुप इंश्योरेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सब मिलेगा, काफ़ी कुछ इसमें मिलने वाला है आपको। अच्छी वैकेंसी, जॉब अच्छी है ये। और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जो आपको 25,500 का बेसिक है, ये आपका जाकर बनेगा, 35 से लेकर 40 तक का बनेगा, 1,000 तक की सैलरी बनेगी। और MTS की जो बनेगी वो 18,000 इसका बेसिक है, ये आपकी जो है 30 से लेकर 32,000 तक बनेगी इसकी सैलरी। और बेनिफिट्स सभी को मिलने वाले हैं दोस्तों। एग्जामिनेशन कैसे आया होगा ये देख लेते हैं इसको। इसमें DYC के लिए जो है, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के लिए जो है, रीजनिंग 40 नंबर की रहेगी, जनरल नॉलेज 40 नंबर के, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जितने नंबर के हैं, जितने क्वेश्चन हैं उतने नंबर के, क्वेश्चन एक नंबर का है। इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में यहाँ पे देखिए सिलेबस भी साथ साथ दिया हुआ है कि क्या क्या पूछा जाएगा, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, लीगल एंड पॉलिटिकल, इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी एंड यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लस क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी रहेगा। तो ये हो गए आपके 5 सेक्शन हो गए और 200 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर के, और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पेनल्टी इसमें रहेगी, नेगेटिव मार्किंग दी गई है इसमें, और नेगेटिव मार्किंग आपको पेपर में आएगी। और ACT का देख लेते हैं, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का देख लेते हैं। रीजनिंग, अकाउंटेंसी नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये इसमें है। इसमें अकाउंटेंसी लैंग्वेज दे दिया जनरल नॉलेज की जगह पे और बाकी सब चीज़ें वही हैं। अब देखते हैं हम MTS की, MTS में क्या दिया है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे दिया है, रीजनिंग दिया है, जनरल इंग्लिश दिया है और क्वांटिटी एप्टीट्यूड दिया है। यहाँ क्वेश्चन 25 है, 50 है, 50 है, 25 है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे केवल 150 हैं और नंबर भी यहाँ पे 150 आएंगे, 150 नंबर के पेपर रहेगा, 120 मिनट यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद देखिए ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा इसमें क्या क्या दिया गया है। और इसका जो नोटिफिकेशन है इसको मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके, अपने स्टेट में कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है, जैसे आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में दिया गया है, और इसी तरह असम में देख लीजिए गुवाहाटी में दिया गया, बिहार में पटना मुजफ्फरपुर दिया गया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें आप जिस भी स्टेट के हैं आप अपने स्टेट का देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश वाले जिसे देखें, लखनऊ दिया गया, आगरा दिया गया, इलाहाबाद दिया गया, बरेली दिया गया, कानपुर दिया गया है, तो इतने सारे सिटीज़, 5 सिटी दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसमें, इसमें एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्शन आपका कैसे होगा इसके लिए दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट को अप्लाई कैसे करना है, सब्जेक्ट, अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके पास जितना भी सिलेक्शन क्वालिफिकेशन मांगा गया वो तो कम से कम होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, और रिटर्न टेस्ट करने के बाद टाइपिंग स्किल होगा अगर आपकी पोस्ट के लिए है तो। और आपको अप्लाई कहाँ पर करना है ये वेबसाइट ये दिया गया है, यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा इसको। और पेमेंट ऑफ फीस भी करनी होगी आपको, रजिस्ट्रेशन के बाद करना होगा, और जो फोटो वगैरह है ये तो आपको सब मालूम ही है, कितना इसमें देख लीजिएगा कितना लगा हुआ है, कितने साइज़ का फ़ोटो इसमें लगने हैं। पेमेंट ऑफ फीस के बारे में बता देते हैं कि अनरिजर्व EWS OBC मेल मेल कैंडिडेट की है 700 रुपये, अनरिजर्व EWS OBC फीमेल फीमेल की 350 रुपये केवल है। SC ST PWD ESM नील कोई चार्ज नहीं है इसमें, तो इसको आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको ये फॉर्म भरने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी क्लोजिंग डेट जो है 31 मार्च है, इसको जल्दी से भर दीजिए क्योंकि एक अच्छी वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि सैलरी इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है और फैसिलिटीज़ बहुत सारी मिल रही हैं। और दोस्तों आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके अपने स्टेट में मिल रहा है, तो इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। और इसके बारे में अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी आपको बताया जाएगा, और जो भी इसके अपडेट लेटेस्ट आएंगे उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे और कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, और इसको अपने दोस्तों के साथ
जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबको मिलनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही जो है लोग अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती, इसलिए लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।